जोए खसम है जाया पूत बाप खिलाया बिन सरवणा खीर पिलाया देखो लोगा कल को पाओ सुत मुकलाई अपनी माओ देखो लोगा कल को पाओ सुत मुकलाई अपनी माओ रहाओ पगां बिन हुरियां मारता बदने बिन खिर खिर हासता निंद्रा बिन नर पै सोवे बिन बासन खीर बिलोवे बिन अस्थन गऊ लवेरी पैंडे बिन बाट कनीरी बिन सतगुर बाट न पाई कहो कबीर समझाई बिन सतगुर बाट न पाई कहो कबीर समझाई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी सात संगत जी, जिमें कि आपां पहलां बारहवां बाणी दी विचार सरवण कर चुके हाँ, बारहवां बाणी दी विचार तो बाद आपां लावां दी व्याख्या रल मिल के सांझी करांगे। उस तो बाद कोशिश करांगे कि गुरु अमरदास महाराज जी दी रसना तो उच्चारण की हुई बाणी आनंद आनंद साहिब जिसनों कहने असी उसकी आप लड़ीवार विचार जी है आरंभ करांगे। असी रल मिल के विचार की भी क्यों ना होवे जो लड़ीवार बाणी की विचार चल रही है उदे दरम्यान पांच सात दिन लगातार असी कुछ गुरु ग्रंथ साहिब जी के चोणवें शब्द लैके चाहे वह गुरु साहबान के होन चाहे भगत साहबान के होन उन्हों कुछ शब्दों की विचार संगतां नाल सांझी की जाए। जिहड़े शब्द असी महसूस करते हैं कि आम पढ़न विच भी जां उन्हां दे अर्थ भाव अर्थ जदों असी सीधे वेखण की कोशिश करते हैं सानूं कई बार इंज लगता है कि गुरु साहब जां भगत साहबान इन्हां शब्दों विच की समझा रहे हैं कि बिन आस्थन गऊ लवेरी भी गां दे थण भी है नहीं पर फिर भी लवेरी है जां जोए खसम है जाया इस्त्री ने अपने खसम नूं जन्म दिता है सुत मुकलाई अपनी माओ माँ ने माँ नाल अपने यानी कि पुत ने ही अपनी माँ नाल विआह करा लिया। जे आपां सीधे रूप च इन्हां शब्दां वल वेखीए तां इंज लगदा सुत मुकलाई अपनी माओ भी सुत ने पुत ने माँ नूं ही मुकलावे लैंदा विआह लिआंदा भाव। तो इह आपां वेखणा है कि इहदे विच भगत साहबान भगत कबीर जी इन्हों शब्दों में की समझा रहे हैं। इदा के अनेक शब्द ने गुरु ग्रंथ साहब जी के जिन्हों जो असी पढ़ते हाँ जो उन्होंने अर्थ भाव अर्थ समझ की कोशिश करते हैं फिर पता लगता है कि किनिया प्यारियां उदाहरण दे दे के चाहे वह भगत कबीर जी ने इस तरीके ही समझाया है कि जो सच का लड़ मनुख छड़ बैठता है अपनी जड़ी खोटी मत है उसका प्रभाव अपने जीवन च कबूल लेंदा है जिन्हों आप मन मत कहने तो जिंदगी का यदा तौर तरीका बदल जाता है। तो जो असी सतगुर की बाणी को ध्यान नाल समझण पढ़न ते विचारन की कोशिश करते हैं बहुत जीवन दीयां कुंडियां जिहड़ियां ने सतगुर की बाणी पढ़न विचारन नाल खुलदियां ने ते समझ आउंदी है किन्ने सोहणे तरीके नाल ये उपदेश सानू सतगुरु जी ने उच्चारण करके किड्डी वड्डी दात जिहड़ी है बख्शिश की है। जिस शब्द अज आपां पाठ श्रवण किया 1194 नंबर अंक ते ये शब्द भगत कबीर जी का बसंत राग दे विच उच्चारण किया है। सब तो पहला आपां रहाओ दे बंद दी विचार सांझी करांगे। देखो लोगा कल को पाओ हे दुनिया के लोगों
वेखो कल को भाव, कल दे इत्थे लल्ले नूं सियारी जिहदा अर्थ है कलयुग, जिहनूं असीं कहिंदे कलेश, को भाव दा अर्थ है प्रभाव। हे दुनिया दे लोको, वेखो कलयुग दा प्रभाव। अगला वचन है सुत मुकलाई अपनी माओ, सुत ने अपनी माँ नूं व्याह के लै आंदा है। समाज में कोई इदां दा कारा वापर जाए तो आपां एकदम ही कह दिंदे आ। समाज में बड़िया थावां ते ऐसियां घटनावां वापरदियां ने जिथे कोई मनुख अपने रिश्तियां की कदर ना करता होया, जो समाज में इदां की कुछ अनहोनी गल वापरती है तो आम ही लोग कह देंगे ने भाई कलयुग है, इत्थे भैण भरावां दे विआह हो रहे हैं, लोगों तो संग शर्मी ला छड्डी है, आम ही साढ़े समाज ये लफ्ज बोले जाते हैं। पर इत्थे गल बाहर दी नहीं हो रही, इत्थे कोई फिजिकल तौर पर शरीरक तौर पर कोई पोता अपनी माँ को विआह के नहीं लैके आ रहा। इत्थे गुरदेव जी जे कलयुग की गल कर भी रहे तो बंदे दे अंदर की गल कर रहे हैं। जे इत्थे पुत मां नूं व्याह के भी लैके आ रहा है तो इत्थे गल बाहर दी नहीं हो रही, इत्थे गल अंदर दी हो रही है। ये मैं एक सिर्फ उदाहरण दिती है, बाहरी तौर पर जो कोई इदां दी घटना वापरती है, क्योंकि आपां पहलां भी गल कीती है बहुत वारी संसार के अंदर लोग लालचवस हो के रिश्तियां दीआं जिहड़ियां कदरां कीमतां ने उहनां नूं ना समझदिआं होइआं समाज के विच बहुत गलत रस्ते भी तुर पैंदे ने, जिथे ये शब्द आम बोले जाते हैं भाई कलयुग का पहरा है, कलयुग का प्रभाव है, तां ये सब कुछ वापरदा है। कलयुग बाहर नहीं है प्यारे, कलयुग बंदे दे जीवन दे अंदर है। जिथे जीवन तलब निवार होए प्रवाणा करें तिकाणा, बाणी दा वाक है कल लखण विचार। तो इत्थे पातशाह जी जिहड़ी गल बहुत कमाल दी कर रहे ने, देखो लोगा हे दुनिया दे लोको, कल को भाओ, भाओ दा अर्थ है प्रभाव, कलयुग का प्रभाव वेखो, सुत मुकलाई अपनी माओ। हुण इदां वेखण नूं सदा इंज लगता जिवें पुत अपनी माँ नूं विआह के लाया होवे। हुण जिहड़े कई वारी संप्रदायी डेरेदार आम ही कहिंदे आ सानूं बाणी दे अर्थां दी लोड़ नहीं, बस एक पाठ दा भोग पिया दूजा शुरू कर दो, डेरियां 'च हुंदा बरसियां ते हजारां खंड पाठां दे भोग पैंदे, ओह इहनूं गुरमत कह के पेश करदे, ओह माण महसूस करदे, वेखो जी साढ़े महापुरखां दी बरसी ते इन्ने लख खंड पाठां दे भोग पै, संगत जी हुम हुमा के तुसीं वी पाठ बुक कराओ। जिथे हजारां लखां खंड पाठां दे भोग पै रहे होणगे, कौण उत्थे इहनां बाणी दे शब्दां दी विचार करेगा, कौन समझण की कोशिश करेगा भी किन्ना सोहना खजाना सानू सतगुर ने बख्शिश किया। इत्थे सुत मुकलाई अपनी माओ, किहड़ा पुत है जिन्हें अपनी माँ व्याह के लैंदी, इत्थे पुत है बंदे का मन, इंसान का मन। इत्थे माँ की है भैड़ी मत, लगना तो मन ने मत दे पिछे सी, पर काम उल्टा हो गया, मन मत रूपी माँ नूं व्याह के अपने घर ले आया, भाव नूं पिछे लैके तुरिया फिरदा है। जिदा जो जो मन दीआं मर्जियां, जिवें आपां आम ही जो सिख रहत मर्यादा के मुताबिक जो आपां अरदास करते हैं तो अखीर ते एक पहरा बोलते हैं सिखां दा मन नीवा मत उची, मत मीनिंग माँ। जदों पुत निम्रता वाले काम करेगा, चंगे काम करेगा, तो मत अपने आप उची होएगी, माँ अपने आप माण महसूस करेगी। इत्थे शब्द वरते है सुत मुकलाई अपनी माओ, मन रूपी पुत्र मत नू व्याह के लाया, भाव मत जिहड़ी है मन पिछे लगी हुई है, उहदे पिछे तुर पई, जिवें औरत नू मर्द व्याह के अपने घर लैके आउंदा है, इत्थे मत नू मन ने व्याह के लै आंदा है। जिवें आपां शब्द पढ़े है लेलै को चुंघे नित भेड़, कहो कबीर प्रगट पई खेड लेलै को, चुंघणा ते लेले ने भेड़ नू सी, पर चुंघ जिहड़ी भेड़ है वह लेले नू रही है, लेले को चुंघे नित भेड़। हुण किहड़े लेले नू भेड़ चुंघ रही है, सोचो इत्थे लेला मन है, भेड़ मन की भैड़ी मत है, मत विचों मन बनता है, जिदां दी मत है उदां दा मन, क्योंकि मन विचारां दा संग्रह है। इन्हां शब्दां नू विचारना बहुत जरूरी है, लेले को चुंघे नित भेड़, लेले नू भेड़ चुंघ रही है, भाव लेले पिछे भेड़ लगी है, मन रूपी लेले पिछे भेड़ लगी है। जिवें इत्थे लिखिया सुत मुकलाई अपनी माओ, मन रूपी पुत्र मत रूपी माँ नू व्याह के लै आया है, भाव पिछे ला के बैठे, लेले को चुंघे नित भेड़, कहो कबीर प्रगट पई खेड लेले को चुंघे नित भेड़। तो मन मत नू अपने पिछे ला के बैठा है। हुण किड्डा चंगा हुंदा जदों इहो मत गुरु वाली हुंदी, तो फिर
मन दे पिछे नहीं सी लगना, मन नू अपने पिछे लाउणा सी। फिर गुरु दे गुरु वाले रस्ते ते तुरना सी, जिथे बाणी लिखिया माता मत पिता संतोख। गुरु वालों बख्शिश की हुई मत जदों इस मन की माँ बन जाती है, फिर ये मन चंगे काम करता है, फिर ये मन गलत काम नहीं करता। पर इत्थे काम उल्टा हो गया, मन की भैड़ी मत मन के पिछे लगी हुई है, भाव जिस मत ने इस मन को जन्म दिता वो ये पिछे पिछे लगी हुई है, गुमराह कर रही है इसनों। यह कलयुग का प्रभाव है, इनू कलयुग आख्या। हुण ये खेड सारी बंदे दे अंदर दी है, बाहर नहीं वरत रहा। जदों असी गुरु नानक साहब का वाक पढ़ते हाँ, नारद नाचे कलका पाओ, जिवें नारद मुनि लड़ाई पाउण च मशहूर मन्या गया सी, बंदे दा मन भी नारद मुनि है। नारद नाचे कलका पाओ, कलका पाओ, इत्थे भी पाओ शब्द वरते आ, उत्थे भी पाओ शब्द वरते आ। नारद नाचे कलका पाओ, इत्थे कल को पाओ कहता, उत्थे कलका पाओ क्या है, शब्द बस इन्ना कु फर्क है। उत्थे उत्थे इत्थे शब्द को है, उत्थे का है। नारद नाचे कलका पाओ, कल दा पाओ प्रभाव, जति सती कह राखे पाओ। जत ते सत बंदे दे अंदर कित्थे टिकणगे, जिथे बंदे दे अंदर कलेशां दा प्रभाव है। जत ने पैर कित्थे रखना, जत किहड़ा भला भी बंदा बंदा बुरियां कामां तों बच सके, सत करैक्टर उच्चा होवे, कित्थे पैर टिकणगे। जत सत दे पैर कित्थे टिकणगे, जिथे पहलां ही प्रभाव अंदर आ बणिया पिया है। तो इत्थे पातशाह जी कहिंदे ने, नारद नाचे कलको पाओ, नारद नाचे कलका पाओ, जति सती कह राखें पाओ। जत सत ने कितने पैर टिकाउणा है, ताल मदीरे घट के घट, दोलक दुनिया वाजे वाज। ताल मदीरे घट के घट, बंदे दे मन दे संकल्प ते विकल्प जिहड़े घुंगरू ते छैणे वज रहे ने, दोलक दुनिया वाजे वाज, मोह दे अंदर ढोल वज रहे। गुरु पासों फिर चेला खाए, ताम परी वसै घर आए, जे सौ वरिया जीवन खाण, खसम पछाणे सो दिन प्रवाण। तो इत्थे भगत कबीर जी कहिंदे ने, देखो लोगा, हे दुनिया दे लोको, वेखो कल को पाओ, कल दा प्रभाव वेखो। सुत मुकलाई अपनी माओ, मन रूपी पुत्र मत रूपी माँ नूं मुकलावा पा, व्याह के लै आ। भाव मत मन पिछे लगी हुई है, लगना ते मन ने मत पिछे सी, हुण मत नीवी है। मत उच्ची हुंदी ते गल बनदी ना, हुण जिहड़ी मन की भैड़ी मत है उही मन के पिछे पिछे तुरी फिरदी है। पर जे गुरु की मत होवे, वह मन की नहीं चलन दिंदी, वह फिर मन नूं तोड़दी है। कहिंदी भूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुर वडभागी पाया। तो फिर अगे भगत कबीर जी कहिंदे, जोए जोए खसम है जाया, जोए मीन इस्त्री। हुण जदों मन की भैड़ी मत, भाव मन भैड़ी मत नूं व्याह के लै आ, भाव उहदे पिछे पिछे लगी हुई है, तो हुण होया कि जोए इस मत रूपी जिहड़ी भैड़ी स्त्री सी, खसम है जाया, इहदे विचों हुण मन का जन्म होया, खसम का जन्म होया, इहदे विचों इहदे विचों मन बनिया। मन तो विचारों का संग्रह ही है। हुण मन पुठे काम क्यों करता है, क्योंकि मत माड़ी है। बच्चा गलत काम क्यों करता, क्योंकि माँ माड़ी है, तो माँ नूं विआह लिया आ, उसे नूं स्त्री कहता, मुड़ के जोए कहता, जोए खसम है जाया। हुण इह भैड़ी मत रूपी जिहड़ी स्त्री है, इहने खसम नूं जन्म दिता है, इसने मन नूं जन्म दिता है। तो हुण वेखो कहानी की बनी, पूत बाप खिलाया, यह मन रूपी पुत्र जिहड़ा है वह बाप नूं खेडे ला के बैठा। बाप कौन है? इत्थे आपां पहलां वी एक दिन विचार कीती सी, बाणी च जदों बाप शब्द आया, बाप दे तीन रूप ने। बाणी च परमेशर नूं बाप भी आख्या, जदों आपां मालक की गल करते हाँ, उस अकाल पुरख की गल करते हैं, तू गुर पिता, तू है गुर माता, उन्होंने पिता शब्द पिता बाप अकाल पुरख नूं भी आख्या, तो गुरबाणी च संतोख नूं भी बाप आख्या। जो आप बाणी च पढ़ते हैं, माता मत पिता संतोख, संतोख नूं भी बाप आख्या, परमेशर नूं अकाल पुरख नूं भी बाप आख्या। बाप दिलासा मेरो कीना, मेरे संतोख रूपी प्यो ने, मेरे अकाल पुरख रूप ने मैनूं दिलासा दिता, सेज सुखाली मुख अमर दीना। ते एक तीजा रूप भी बाप का पेश किया, बाप सावका करे लड़ाई, शरीर नूं भी प्यो आख्या बाणी च, शरीर भी प्यो जिहड़ा लड़दा है 24 घंटे लड़दा, तो पुत कौन है? मन। हुण मन रूपी पुत्र ने शरीर रूपी बाप नूं खेडे लाया होया, उन्हूं खेडे लाया होया, जो जो शरीर कही जाता उदा उदा। तां ही ते भगत फरीद जी नूं इह शब्द कहना पिया सी, फरीदा ए तन भौंकणा
शरीर रूपी कुत्ता भौंकता है, वास्ते च कुत्ता नहीं भौंकता, अंदर बैठा जिहड़ा पुत है ना, जिहड़ा जिहड़ा जोए खसम है जाया, वह भौंकता अंदरों। वह कहिंदा वधिया जुत्ती लिया पाउण लई, वह कहिंदा वधिया तन ते कपड़ा लिया पाउण लई, बंबा कहिंदा मेरे को पैसे है नहीं, कहिंदा चोरी कर, तू ईमानदारी का ठेका लिया सारी जिंदगी। इत्थे शब्द वरत्या पूत बाप खिलाया, पुत बाप नूं खेडे ला के बैठा, ये शरीर रूपी बाप दियां भाव उन्हूं नवें तो नवें पकवान भाव जिन्हों आप इंदा कह सकते हैं सुपने की जिंदगी च लैके तुरिया फिरदा उसनूं। तो पाश भगत कबीर जी कहिंदे बिन सरवणा खीर पिलाया, ये तो इदा हो रहा जिवें थाने नहीं गए, बिन सरवणा खीर पिलाया, थाने नहीं गए पर दुध पिया रहा, जाने कि गल्लां वड्डियां वड्डियां कर रहे, बिन सरवणा खीर पिलाया। सरवणा दा अर्थ की इत्थे दुध भाव दुध पिया रहा वा पर थाने नहीं गए, बिन सरवणा खीर पिलाया, वगणा सिमणा भाव शेक चिलियां वालियां गल्लां कर रहे, बिन सरवणा खीर पिलाया। कहते पगां बिन हुरियां मारता, वेखो इस मन रूपी पुत्र दियां ना, मन दियां, मन दा पैर है नहीं पर लत्तां बहुत मारदा है, तुसीं वेखो ना मन लत्तां नहीं मारदा, अज मन लत्तां ही मार रहा, ये किहड़ा मन लत्तां मार रहा जी, जिहड़ा मन इस भैड़ी मत नूं विआह के लै आया, जिहनूं आपां शब्द बोलदे मन मत, मन दी भैड़ी मत करके ही अज ये दिन वेखने पए। पगां बिन हुरियां मारता, पैर है नहीं गा पर लत्तां मारदा है, बदने बिर खिर खिर हसदा, अच्छा इहदा मूँह है नहीं गा पर हसदा बड़ा। तुसीं वेखे ना कई वारी आपां नहीं कहिंदे किसी के घर जाता बंदा, उहदा कारोबार वेख के, बिजनेस वेख के, जां किसी का नुकसान वेख के, कारोबार वेख के तो काम उल्टा हुंदा, उत्तों हसदा हुंदा अंदरों रोंदा हुंदा, किसी तरक्की वेख के बंदा उत्तों खुश हुंदा अंदरों दुखी हुंदा, पर किसी का नुकसान वेख के बंदा चेहरा ते उदास कर लैंदा पर मन चों लड्डू फुट रहे हुंदे। इहनूं कहिंदे बदने बिन खिर खिर हसदा, मन का मूँह है नहीं पर खिड़ खड़ा के हसदा, बदने बिन खिर खिर हसदा। फिर अगे कहिंदे ने निंदरा बिन नर पै सोवै, हुण इस मन दे कर्मां च किते नींद, इस मन ने सौना थोड़ा सी पर वेख लो सुत्ता लम्मी ताण के। इसे नूं गुरु अर्जन साहब जी ने कहा नैनो नींद पर दृष्ट विकार, सरवण सोए सुन निंद विचार, रसना सोई लोभ मीठे साध, मन सोया आ गई ना गल, मन सोया माया विस्मार, मन सुता पिया है, इहनूं नींद नहीं सी हैगी पर सुता है, ये चस्कियां सुता है, ये विशियां वकारां सुता है, ये भैड़ी मत दे भैड़ी मत नूं व्याउण करके सुता है, इस करके सुता पिया। जो दिन आवै सो दिन जाही, करना कूच रहण थिर नाही, भगत रविदास जी कहते संघ चलत है हम्पी चलना, दूर गमन सरी उपर मरना, क्या तू सोया जाग या ना। इत्थे किहनूं जगाउण दी गल कर रहे ने भगत रविदास जी, मन नूं, की सुता पिया तू, निंदरा बिन नर पै सोवै, इन्हें सौना नहीं सी, इहदे कर्मां च नींद नहीं सी हैगी पर सुता पिया है विशियां वकारां विच, मन दी, मन ने कोई सौना थोड़ा सी, मन तो जागदा है पर सौ गया, कज सुता है, मन सोया माया विस्मार, निंदरा बिन नर पै सोवै, अज सुत्या नाल वापरदा है। जिस जागदे हुंदे लीडर सही ना चुणदे, चुनना तो मन नहीं सी, गति तो तुहाडा मन ही करदा, तन तो तुरदा ही है, तोरदा तो मन है, चाबुक तो मन ने फड़े हाथ विच, ते मन सुता पिया है, माफ करना नशा पींदा तन है पर इच्छा मन दी है, वोट तन ने पाउणी है पर डिसीजन अंदरों मन लैंदा है। जदों तुसीं बटन दबाउंदे हो दबाउंदा तुहाडा तन है बटन, जदों लीडर चुनना है इच्छा मन दी है, मन सुता है। जिहड़े दिन समाज विच सानूं देखणे पै रहे ने साढ़े सुत्ते मन दियां निशानियां ने, उदों जगाउंदे ने हक्कां प्रति सुचेत हो भाई जागो। इत्थे भगत कबीर जी कहिंदे निंदरा बिन नर पै सोवै, निंदरा तो बिना ही सुता पिया, नींद है नहीं इहनूं पर सुता, कद सुता गफलत दी नींद विच। बिन बासन नीर बलोवै, बिन बासन बर्तन है नहीं गे पर नीर बलोवै, बर्तन है नहीं पर दही रिड़क रहा है, बर्तन है ही नहीं,
इनू कहिंदे ने बिन बिन बासन नीर बलोवै। अज हो नहीं रहा, पाठ कर रहे है, गुरुद्वारे जा रहे है, हिरदे दा बर्तन है ही नहीं। कहिंदा मैं दही रिड़क रहा, तुरिया फिरदा, भज्जा फिरदा, चखा मारदा फिरदा, जिहनू आपां पंजाबी च कहिंदे आ बिन बासन, बिना बर्तन तो कह लगे खीर बिलोवै, खीर बिलो रहा, दुध रिड़क रहा। कहिंदा मेरे कोल ते सब कुछ हैगा, बिन बासन खीर बिलोवै, खीर नू बिलो रहा, रिड़क रहा, दावा करता। अज बड़े बंदे ने जिहड़े पाठ पूजा धर्म करम निभाउण दा नाटक करदे ने, बिन अस्थन गऊ लवेरी। हुण गां दे थाण नहीं पर लवेरी है, ये किहदी हालत बयान कर रहे ने। जदों शब्दों के कई बार अर्थ करी दी है ना पिछे जे, मैं वह भी आप शब्द आने वाले दिनों विचारांगे कि जल की मछली तरवर ब्याई, तो संप्रदायी डेरेदार कहिंदे वेखो जी, ये कहिंदा जी मच्छी रुख ते नहीं चढ़ चढ़ती, वो मच्छी लभ के लाए जी, आ वेखो जी रुख ते चढ़ी है मच्छी। मैं कहा बाणी च लिखिया है, बाणी च क्लीयर लिखिया है, ज्यों मछली बिन पानी है क्यों जीवन पावे, मच्छी पानी तो बिना जिउंदी नहीं रह सकती है, गुरबाणी का वाक है। मच्छी के परिवार वाग जीवन मरना विसरै पानी, पर अगले जिद करके कहिंदे कर ले हुण आ वी लभ के विखायो। बिन अस्थन गऊ लवेरी, वो गां जरूर लभे जो थाण है नहीं पर लवेरी है, दुध दिंदी है, थाणी है नहीं दुध दिंदी है। वह भले हुए तो गल मानदी सी बंदे दी, मन की कहानी पाई इतने, मन की बिन अस्थन बिना थणा तो गऊ लवेरी, भाव मन शेक चिलिया वाली गल्लां करदा, जिवें गां दे थण ना होवे ते बंदा कहे साढ़े घर ते 20 लीटर दुध है जी, मन भी शेक चिलिया दी गल्लां नहीं करदा, पल्ले कख नहीं हैगा ते वड्डियां वड्डियां गल्लां मारदा, बड़े बड़े सुपने लैंदा, पैंडे बिन वाट कनेरी, पैंडा है नहीं गा पर वाट कनेरी है। इस मन ने सच तक पहुँचने लई को पैंडा बहुत लंबा थोड़ा है। हुण जे आपां पैंडा वेखी, पैंडे बिन वाट कनेरी, हुण आपां बाणी च पढ़दे हां भी परमात्मा भी तेरे अंदर है मना, तो तू भी अंदर ही है, इदां समझो, सौखा समझो। जिवें गुरबाणी च ने लिखिया बिमल मझार बसस निर्मल जल, पदमल जावल रे, पदमल जावल जरा संगत संग दोख नहीं रे। दादर तू कभी ना जान सरे, डड्डू नू कहिंदे तैनू पता है भी जिथे तू बैठा इत्थे कमल फुल उगे है, पैंडा तो है ही नहीं गा, पर तू सुगंधी का आनंद नहीं मानता, जाला खाई जाना है। इदे मन नू क्या कि मना जिथे तू है ना इत्थे परमेश्वर के नाम का कमल फुल उगे, पैंडे बिन पेंडा तो है ही कोई नहीं, पर वाट कनेरी तू बाहर खजल हुंदा फिरदे, तू कहना उत्थे सुख मिल जू, उत्थे सुख मिल जू, उत्थे मत्था टेकिया गल बन जू, पर बाणी दी ना मन रे थिर रहो, मन रे थिर रह, टिक जा, मत कत जाही जियो, बाहर ढूंढे तो बहुत दुख पावें, कारे अमृत घट माही जियो, पेंडे बिन वाट कनेरी। फिर गल नूं समझो, दादर डड्डू मेंढक किनू क्या मन नू, दादर तू कभे ना जान सरे, तू जानता ही नहीं, भगस सुबाल बसस निर्मल जल, ज्वाला ही खाई जाना, अमृत ना लग सरे, पेंडे बिन वाट कनेरी। तू इत्थे किन्ने प्यारे शब्द वरते ने, इत्थे ऐब तन चिकड़ो, इस बंदे दे तन विच ऐबां दा चिकड़ है, ये मन मेंढको, ये मन मेंढक है, कमल की सार नहीं मूल पाई, अंदर ही कमल फुल उगे, पैंडे बिन पैंडा है नहीं गा, पर वाट कनेरी, वाट कनेरी क्यों है, क्योंकि इन्हें सांझ नहीं पाई, इन्हें दूर दिसी जाता है। गल मन दी हो रही प्यारे हो, इन सारे शब्द गुरु ग्रंथ साहब के एक ओंकार तो लैके कला कला शब्द तुक पौड़ी स्लोक बंदे दे मन नूं संबोधन है। गुरुदेव पिता महाराज की बाणी किसी मछी वास्ते, किसी कां वास्ते, किसी बिल्ली वास्ते, किसी कबूतर वास्ते, किसी कीड़ी वास्ते, किसी इल कां वास्ते उपदेश नहीं है, उन्होंने तो ना वरते ने सिख्या तो इंसान तेनू दिती है, मैनू दिती है महाराज ने। हुण इत्थे शब्द वरत्या पेंडे बिन पेंडा है नहीं पर वाट कनेरी, क्योंकि इहो जी घूमण करी च दूर पिया वाट रस्ता लम्मा बन गया अपने आप ही, बस रस्ता तो है, पेंडा तो है ही नहीं सी। इसे नूं ते भगत कबीर जी ने कहा सी, हौं पूत तेरा तू पाप मेरा, एक ठहर जगह ते कोई सी अपनी दोहां बसेरा, जे एक जगह असीं दोवें रहिंदे सी ते दूरी क्यों पई, क्योंकि विच कंध सी, वो कंध कादी सी, उसी कूड़ दी कंध।
ਇਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ, ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ ਸੀ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿਓ ਅਤੇ ਪੁੱਤ ਇਕੱਠੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੀਵਾਰ ਹੋਣ ਆਣ ਕੇ ਨਾ, ਦੀਵਾਰ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੂਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਰਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਘਰ 'ਚ ਨਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਦੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਡ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਧ ਆ ਗਈ ਨਾ ਵਿੱਚ, ਕੰਧ ਟੱਠੇਗੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਣ ਪੁੱਛ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਇੱਕ ਜਣ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਈਏ ਕਿ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਅੱਜ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੂੜ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਸੱਚ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤੂੰ ਆਪ ਹੈ, ਮਨ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਹਉਂ ਪੂਤ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਬਾਪ ਮੇਰਾ, ਇੱਕ ਹੈ ਠਾਹਰ ਦੋਹਾਂ ਬਸੇਰਾ। ਪੈਂਡੇ ਬਿਨ, ਪੈਂਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਵਾਟਕ ਨਿਰੀ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪੈ ਗਿਆ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟ ਨਾ ਪਾਈ, ਜੇ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ ਹੁਣ, ਜੇ ਕੁਰਾਏ ਪੈ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜ ਲਾ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਟ ਨਾ ਪਾਈ, ਬਾਟ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ, ਬਿਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸਮਝਾਈ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ। ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਹਨੇ ਬਿਤਾਇਆ ਐਸਾ ਗੁਰ ਵੱਡਭਾਗੀ ਪਾਇਆ, ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਸ਼ਬਦ 1194 ਨੰਬਰ ਅੰਕ 'ਤੇ ਬਸੰਤ ਰਾਗ 'ਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ। ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵੇਖੇ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਲੋਗਾ, ਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਵੇਖੋ, ਕੱਲ੍ਹ ਕੋ ਭਾਓ, ਕਲਯੁੱਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਕਲਯੁੱਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀ ਕਲਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਸਤਯੁੱਗ ਸੀ, ਕਦੀ ਦੁਆਪਰ ਸੀ, ਕਦੀ ਤ੍ਰੇਤਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜੇ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਸਤਯੁੱਗ ਰੱਥ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਧਰਮ ਅੱਗੇ ਰਥਵਾਹ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਸਤਯੁੱਗ ਰੱਥ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਧਰਮ ਅੱਗੇ ਰਥਵਾਹ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਤਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਲਯੁੱਗ ਰੱਥ ਅਗਨ ਕਾ ਕੂੜ ਅੱਗੇ ਰਥਵਾਹ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਭਾਅ ਤੁਹਾਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂ ਹੋਏਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਕੂੜ ਅੱਗੇ ਰਥਵਾਹ ਅਗਨ ਕਾ ਅਗਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਯੁੱਗ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਦੁਆਪਰ ਸੀ ਕਦੀ ਤ੍ਰੇਤਾ ਸੀ। ਬਾਣੀ ਇੰਝ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਯੁੱਗ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਲੋਗਾ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋ ਪਾਓ, ਸੁੱਤ ਮੁੱਕ ਲਾਈ ਆਪਣੀ ਮਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਏ, ਕੋਈ ਸਕੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਏ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਲਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ। ਕਦੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਵੇਖੇ ਸੀ? ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਣ ਲਈ ਲੋਕ ਨਕਲੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਕਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਕਲਯੁੱਗ ਦਾ ਪੈਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮਤ ਰੂਪੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁੱਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਨੇ ਮਤ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਮਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਲੈ ਲੈ ਕੋ ਚੁੰਗੇ ਨਿਤ ਭੇਡ। ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿੱਡਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਜੋਏ ਇਸਤਰੀ, ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਕੇ ਜੋ ਲੈ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸਤਰੀ ਬਣ ਗਈ, ਹੁਣ ਮਾਂ ਤਾਂ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ, ਵਿਆਹ ਕੇ ਜੋ ਲੈ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸਤਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਤੂੰ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਏ ਖਸਮ ਹੈ ਜਾਇਆ, ਹੁਣ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਖਸਮ ਨੂੰ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਕਦੀ ਇਹਨੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਕਦੀ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੂਤ ਬਾਪ ਖਿਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਹੁਣ ਪੁੱਤ ਨੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਖੇਡੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੇਡੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਬਿਨ ਸਰਵਣਾ ਖੀਰ ਪਿਲਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਖ ਚਿੱਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਨ ਸਰਵਣਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਪ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਬਿਨ ਸਰਵਣਾ ਖੀਰ ਪਿਲਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਲੋਗਾ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋ ਪਾਓ, ਸੁੱਤ ਮੁੱਕ ਲਾਈ ਆਪਣੀ ਮਾਂ, ਪੱਗਾਂ ਬਿਨ ਹੁਰੀਆਂ ਮਾਰਤਾ, ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਲੱਪਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਲੱਪਾਂ ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਏਡਾ ਭੈੜਾ ਵਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਤਾਂ ਤੜਵਾ ਦਿੰਦਾ ਮਨ, ਲੱਤਾਂ ਤੜਵਾਉਂਦਾ ਮਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ, ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ।
ਪੱਗਾਂ ਬਿਨ ਹੁਰੀਆਂ ਮਾਰਤਾ, ਬਦਨੇ ਬਿਨ ਖਿਰਖਿਰਾ ਹੱਸਦਾ, ਮੂੰਹ ਐਵੇਂ ਪਰ ਖਿੜਖਿੜਾ ਕੇ ਹੱਸਦਾ, ਨਿੰਦਰਾ ਬਿਨ ਨਰ ਪੈ ਸੋਵੇ। ਇਹਨੇ ਸੌਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਕੋ ਅਸਲਾ ਸੌਣ ਵਾਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਗਫਲਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ। ਬਿਨ ਬਾਸਨ ਖੀਰ ਬਿਲੋਵੇ, ਬਿਨਾਂ ਬਰਤਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਹੀਂ ਰਿੜਕ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬੰਦਾ। ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਬਿਨ ਅਸਥਨ ਬਿਨਾਂ ਥਣਾਂ ਤੋਂ ਗਊ ਲਵੇਰੀ, ਗਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਲਵੇਰੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਮਨ ਛੇਕ ਚਿਲੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੈਗਾ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ। ਬਿਨਾਂ ਸਥਨ ਗਊ ਲਵੇਰੀ, ਪੈਂਡੇ ਬਿਨ ਵਾਟ ਘਨੇਰੀ, ਪੈਂਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰ ਵਾਟ ਕਿਉਂ ਘਨੇਰੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਇਸ ਮਨ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਗੰਮਾਂ ਪੁੱਠਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਟ ਨਾ ਪਾਈ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸਮਝਾਈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਏਗਾ। ਇਸ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਭਾਵ ਅਰਥ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੂਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਗਾਂ ਕੋ ਥਣਾਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਥਣਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਸੰਬੰਧ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਲੋਕ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੂਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। 1194 ਨੰਬਰ ਅੰਕ 'ਤੇ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਆਪ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੜੀਵਾਰ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚੋਂ 94 ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ 20-25 ਮਿੰਟ ਦਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪਏ ਹੋਏ ਭੁਲੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲ ਸਕਣ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੋ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮੋਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।